स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आज के मेरे टॉपिक पे। आज हम बात करने वाले हैं आरएसए रोड साइड असिस्टेंस के बारे में। बात करेंगे कि जितने भी फोर व्हीलर यूज़र हैं जो फोर व्हीलर यूज़ करते हैं उनको आरएसए लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो आरएसए के जो लेने के बेनिफिट हैं उसके बारे में बात करेंगे और आरएसए नहीं लेने के क्या क्या नुकसान है इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं आरएसए लेने के क्या क्या बेनिफिट हैं। तो सबसे पहले बेनिफिट है वो टोइंग फैसिलिटी। मान लीजिए नाइट के समय में या डे के समय में आपकी गाड़ी ख़राब हो जाती है या ब्रेकडाउन हो जाती है तो आपको ये टोइंग फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। टोइंग की फैसिलिटी भी आपको क्रेन के ऊपर विद बेल्ट की सहायता में कार की पूरी सेफ्टी के साथ में आपको जो नियर बाई जो सर्विस सेंटर है वहाँ पर पहुँचाया जाता है। ठीक है, मान लीजिए आपके साथ में फैमिली है, आपका रेजिडेंस जहाँ गाड़ी ब्रेकडाउन हुई है वहाँ का नहीं है तो जो नियर होटल है वहाँ भी ड्रॉप कराने की फैसिलिटी है। और अगर 50 किलोमीटर के अराउंड में आपका रेजिडेंस है तो वहाँ भी आपको टैक्सी के द्वारा ड्रॉप कराने की फैसिलिटी है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो टोइंग फैसिलिटी है वो आप साल में कितनी बार भी ले सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। सेकंड, बैटरी डिस्चार्ज। मान लीजिए कभी आपकी गाड़ी की बैटरी डिस्चार्ज होती है तो आरएसए को कॉल करने के 2 घंटे के अंदर अंदर वहाँ पर आपके पास टेक्नीशियन पहुँच जाएगा, आपकी गाड़ी को जंप स्टार्ट करके वो चला जाएगा। ठीक है, तीसरा जो बेनिफिट है वो है कार लॉक। मान लीजिए आपकी गाड़ी की कभी काम नहीं करती है, लॉक अनलॉक नहीं हो रहा है या कार आपकी लॉक हो चुकी है तो उस समय में आरएसए को कॉल करने के 2 घंटे के अंदर अंदर टेक्नीशियन आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है, तो तीसरा बेनिफिट ये हो गया। चौथा बेनिफिट है, मान लीजिए आप गाड़ी कभी ड्राइव कर रहे हैं, टायर पंचर हो गया या आपको स्टेपनी चेंज करनी है तो भी आरएसए को कॉल करने के 2 घंटे के अंदर अंदर आरएसए का जो टेक्नीशियन है वो आपके पास पहुंच जाएगा, टायर को इंटरचेंज करके आपको दे देगा। ठीक है, पांचवा बेनिफिट है वो ये है कि मान लीजिए आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और आपकी गाड़ी का जो फ्यूल है वो ख़त्म हो गया है तो आरएसए को कॉल करने के बाद 2 घंटे के अंदर अंदर आपको 5 लीटर की जो फ्यूल है वो प्रोवाइड किया जाएगा। साल में इसका यूज़ आप 2 बार ले सकते हैं। ठीक है, तो ये 5 बेनिफिट है आरएसए लेने के। ठीक है, तो आप कोई भी प्रॉब्लम होती है कार से रिलेटेड तो आप आरएसए को जहाँ आप डीलरशिप पर नहीं ले सकते गाड़ी को ड्राइव करके तो आप आरएसए का यूज़ ले सकते हैं, वो टोइंग फैसिलिटी द्वारा आपकी गाड़ी को सर्विस सेंटर तक पहुँचा देंगे। अब बात करते हैं कि आरएसए नहीं लेने के नुकसान क्या क्या है। तो सबसे पहला नुकसान तो यही है टोइंग फैसिलिटी का। ठीक है, मान लीजिए आपकी गाड़ी ब्रेकडाउन हो जाती है तो टोइंग फैसिलिटी वो एक गाड़ी के पीछे बांध के लेके जाएंगे और सेकंड जो चार्ज है इनका वो 2 से 3 हज़ार तक भी होता है। ठीक है, मान लीजिए डीलरशिप अगर दूर है तो 4-4 हज़ार भी ये ले लेते हैं। ठीक है, ना आपको ड्रॉप करने की कोई फैसिलिटी होगी। ठीक है, आप अपने हिसाब से आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, सेकंड जो है अगर बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, अगर आप किसी टेक्नीशियन को बुलाते हैं तो 1000-1500 तो वही ले लेता है। ठीक है, सबसे बड़ा नुकसान तो ये हो गया। तीसरा, कार लॉक हो जाती है तो भी आपको टेक्नीशियन बुलाना पड़ेगा, उसको भी पे करने पड़ेंगे। तीसरा, टायर रिप्लेस। मान लीजिए आप ड्राइव कर रहे हैं, टायर पंचर हो गया तो खुद को ही आपको टायर रिप्लेस करना पड़ेगा, बेइज्जती होगी वो अलग। ठीक है, चौथा है फ्यूल प्रोवाइड, अगर फ्यूल ख़त्म हो जाता है तो आपको धक्के खाने हैं। तो इससे अच्छा है कि आप आरएसए वो ले लीजिए। तो ये था आरएसए लेना है या नहीं लेना है, मैंने आपको दोनों बता दिए, नहीं लेने के नुकसान भी आपको बता दिया और लेने के भी इसके फ़ायदे हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको आरएसए लेना है या नहीं लेना है। तो जो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है वो यही है कि 24x7 आप इसे कभी भी कॉल कर सकते हैं, कभी भी इसका आप जो है फ़ायदा ले सकते हैं। ठीक है, सेकेंड, 1500 से 2000 रुपये खर्च करके आप 1 ईयर का इसका प्लान जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, टोइंग फैसिलिटी आप ईयर में कितनी बार भी यूज़ ले सकते हैं। ठीक है, फ्यूल 5 लीटर फ्यूल आपको प्रोवाइड कराएगा साल के अंदर 2 बार अगर आपका बाय चांस ख़त्म हो जाता है तो। ठीक है, तो ये थे इसके फ़ायदे। सबसे बड़ा फ़ायदा अगर मैं मानूँ तो ये है कि टाइम की आपकी बचत। ठीक है, बाकी इज्जत का तो यही है, आप रोड पर खड़े होकर टायर खोल रहे हैं, आप सोच लीजिए कि आपको आरएसए कराना है या नहीं कराना है। तो ये थे बेनिफिट। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।
तो ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। कमेंट करके आप बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है, और आपको कौन से टॉपिक के ऊपर जानना है तो आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं। तो इससे मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा हूँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, तो ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, जब तक के लिए।